इस समय मैं हूँ झिलमिल गुफा के पास। महात्मा जी हमारे साथ हैं। हम झिलमिल गुफा में दर्शन करते थे और वापस हो जाते थे, लेकिन आज जब आए महात्मा जी से हमने बात की तो हमें पता चला कि महात्मा जी के द्वारा ही यहाँ पर शुगर की दवा दी जाती है। तो आज हम आपको उसी दवा के बारे में बताएंगे। कूट के बना के फिर इसे तैयार करते हैं। अच्छा, ये हाँ। कैसा, कड़ू है या? अच्छा, सुबह खाली पेट खिलाई जाती है। हाँ। तो जैसे एक दिन सुबह खाली पेट खा लिया, फिर बार बार कैसे खाएगा? बार बार नहीं खानी पड़ती है, एक ही बार खानी पड़ती है, परहेज करना पड़ता है फिर। अच्छा, दवा सिर्फ एक बार वो खा लिया उसने, उसके बाद एक महीने का परहेज करना है। जैसे इंसुलिन लगती है उसे 3-4 खुराक खानी पड़ती है, 3 खुराक। अच्छा अच्छा। दोस्तों, ऋषिकेश में नीलकंठ मंदिर के पास झिलमिल गुफा पड़ती है और कुछ लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि झिलमिल गुफा तक गए भी होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां पर एक महात्मा जी हैं जो कि शुगर की दवा देते हैं और काफ़ी समय से शुगर की दवा जो है वो झिलमिल गुफा में रहते हुए देते हैं। ये जो दवा है ये खुद तैयार करते हैं, जड़ी बूटियों के द्वारा ये दवा तैयार करते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं वहाँ पर गया था तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ लोगों को जानकारी दी जाए, ताकि जिनको शुगर की ये परेशानी है वो लोग नीलकंठ मंदिर पहुँचें तो उसके साथ साथ झिलमिल गुफा जाकर वो वैद्य जी से दवा ले सकते हैं। और कुछ लोगों ने हमें कमेंट भी किया था कुछ दिन पहले कि झिलमिल गुफा में एक महात्मा जी हैं जो कि शुगर की दवा देते हैं, जिनका डायबिटिक है, जिनका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, उनके लिए दवा देते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही जानकारी देने वाले हैं। और अगर आप लोग कभी भी नीलकंठ मंदिर जाते हैं तो झिलमिल गुफा जाकर आप ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपको यहाँ से फ़ायदा हो जाए। और अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, ताकि हमें और अच्छे से कॉन्फिडेंस हो जाए, फिर हम अच्छे से लोगों को जानकारी ये दे सकें। तो आइए आज की वीडियो में हम उन्हीं महात्मा जी से मिलाते हैं और आज सभी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं, यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं हूँ झिलमिल गुफा के पास, महात्मा जी हमारे साथ हैं। पिछले कई बार झिलमिल गुफा हम आ चुके हैं और बहुत सारी वीडियो हमने बनाई है, और हमें बोर्ड में सिर्फ एक बहुत ख़ास विषय के बारे में लिखा रहता है, एक मैसेज लिखा रहता था कि यहाँ पर शुगर की दवा मिलती है। अक्सर हम देखते थे लेकिन हमें जानकारी नहीं हो पाई। हम झिलमिल गुफा में दर्शन करते थे और वापस हो जाते थे, लेकिन आज जब आए महात्मा जी से हमने बात की तो हमें पता चला कि महात्मा जी के द्वारा ही यहाँ पर शुगर की दवा दी जाती है। तो आज हम आपको उसी दवा के बारे में बताएंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ से दवा ले जा चुके हैं और इन्हें शुगर जो बीमारी है उसमें बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ है। तो आज हम महात्मा जी से बात करेंगे। सबसे पहले महात्मा जी का परिचय जानेंगे और उसके बाद यहाँ के दवा के बारे में जानेंगे। महात्मा जी, प्रणाम आपको। हरिओम जी। सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। चमनगिरी। तो महात्मा जी, कितने वर्षों से यहाँ पर झिलमिल गुफा के पास आप शुगर की दवा मरीजों को देते हैं? पहले हमारे गुरु भाई देते थे, फिर गुरु जी देते थे उससे पहले जी। हाँ, तो ये जो आप ये जो दवा देते हैं क्या होता है? जड़ी बूटी होती है? हाँ, जड़ी बूटियों से मिक्स च्यवनप्राश जैसा बनता है, फिर वो दवाई दी जाती है, सुबह खाली पेट खिलाई जाती है। सुबह खाली पेट? हाँ। एक जड़ी बूटियों से मिक्स करके च्यवनप्राश सा बनता है वो। तो और ये जो जड़ी बूटी है आसपास यहीं पर मिल जाती है? यहाँ कुछ बाजार से भी आती है और कुछ जंगलों से आती है। आजकल जैसे देखा गया है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शुगर की बीमारी रहती है। हाँ जी। तो कैसा रिजल्ट रहा है? बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे जिन्हें फायदा हुआ होगा और दोबारा आते होंगे, महात्मा जी आपकी दवा हमें फायदा करी है अभी। हाँ, और हम और ले जाएंगे या हम हाँ, किसी और के लिए ले जाएंगे? हाँ, बहुत आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें परहेज है, परहेज करोगे तो ठीक हो जाओगे। अच्छा, परहेज क्या है इसमें? इसमें क्या है, 3-4 दालें खाने के लिए, हरी सब्जियां, मिक्सी रोटी है, इस पे पर्चा है, पर्चे पे लिखा हुआ है। अच्छा, पर्चा। हाँ, देते हैं आप जो दवा। हाँ, ले जाता है। हाँ, उसके साथ आप ये। हाँ, पर्चा देते हैं। पर्चा देते हैं, वो परहेज करना पड़ता है, एक महीने परहेज करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए ये पर्चा तो हम आपको स्क्रीन में अच्छे से दिखा देंगे, तो आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप शुगर की दवा लेते हैं तो परहेज बहुत ज़रूरी है। महात्मा जी, कैसे दवा कोई मंगा सकता है? उसको आना ही पड़ेगा या कोई और मार्ग है, कोई और रास्ता है वो घर में बैठ कर? हाँ, जिससे ज़्यादा परेशानी नहीं आना चाहता, दिक्कत है तो क्या है, कोई जाता है ऋषिकेश तो कुरियर करवा देते हैं, या उधर से कोई आया है बंदा जी, उनका दवाई लेके तो उधर भिजवा देते हैं।
अच्छा अच्छा, नहीं तो सवेरे यहाँ पर खाली पेट खिलाई जाती है। अच्छा, सुबह खाली पेट खिलाई जाती है। हाँ। तो जैसे एक दिन सुबह खाली पेट खा लिया, फिर बार बार कैसे खाएगा? बार बार नहीं खानी पड़ती है, एक ही बार खानी पड़ती है, परहेज करना पड़ता है फिर। अच्छा, दवा सिर्फ एक बार वो खा लिया उसने, उसके बाद एक महीने का परहेज करना है। जैसे इंसुलिन लगती है उसे 3-4 खुराक खानी पड़ती है, 3 खुराक। अच्छा अच्छा, तो बाबा जी ये तो बहुत चमत्कार है। लोग सालों सालों एलोपैथिक दवाएं कराते रहते हैं और उन्हें कोई फायदा नहीं होता, और आप सिर्फ एक खुराक देते हैं, उसके बाद परहेज करना होता है और सही हो जाता है। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये चाहूंगा, मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को इस तरह के जो नुस्खे हैं, एक तरह से कह सकते हैं ये जड़ी बूटियों का नुस्खा है जो बाबा जी के जानकारी में है, तो आइए और कहते हैं एक खुराक आप यहाँ से खाइए, खाली पेट खिलाई जाती है, उसके बाद एक महीने परहेज करें। जिन्हें ज्यादा दिक्कत होती है उन्हें 3-4 खुराक देनी पड़ती है बाबा, दो तीन खुराक। तो बाबा जी ये बहुत बढ़िया है, ये तो ये अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे और इसका फायदा उठाएंगे और आराम से आप। अच्छा, आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है कैसे वो आपसे बात कर सकते हैं? नंबर है इसमें लिखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, पहला वाला नंबर है और लास्ट वाला गुरुजी का है। अच्छा, लास्ट वाला गुरुजी का है, तो पहले नंबर में कॉल करें। हाँ दोस्तों, मैं इसको स्क्रीन में आपको अच्छे से दिखा दूंगा, क्योंकि झुलमिल गुफा आप आ सकते हैं, अगर नीलकंठ मंदिर आ रहे हैं तो फिर थोड़ा समय निकालिए, 2 घंटे और लगेंगे। आप यहाँ पर पहुंचकर सुबह अपना खाली पेट दवा खा सकते हैं, और बाकी अगर आपका कोई साथी आना चाहता है तो उसके द्वारा आप यहाँ से मंगा सकते हैं। महात्मा जी, ये जो दवा है इसके कितनी कॉस्ट होती है, कितना पैसे खर्च करने पड़ते हैं? इसमें लागत लगती है वो 500-600 रुपये। अच्छा अच्छा, जैसे कोई आया एक खुराक उसने खाई तो उसके कितने रुपए देने होते हैं? वो 500-600 रुपये। अच्छा, एक खुराक के 500-600 रुपये देने होंगे। अच्छा अच्छा, कोई ले जाना चाहता है जो ले जाते हैं, हाँ, वो कैसी दवा होती है? वही यही होता है, वो भी घर ले जाकर भी एक बार खाएगा, या जिसको ज्यादा दिक्कत है 2-3 बार 4 बार खाएगा। कैसा रिजल्ट रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जिसमें लिखा हुआ है बहुत ले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं? अच्छा अच्छा, हाँ। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, तो आप इसका फायदा उठाइए। और जिनको इस तरह की बीमारियां हैं, शुगर ऐसे भी शरीर को अंदर अंदर खोखला करता रहता है, तो महात्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी डिटेल हम ये वीडियो में दिखा देंगे, और एक बार हम दवा देखना चाहेंगे क्योंकि बहुत खास है ये दवा। ये चटनी है? हाँ, ये चमपराज जैसी है ना, चमपराज जैसी एक तरह से चटनी है, और ये खुद से आप यहाँ पर इसमें मिलाकर तैयार करते हैं, कूट के बना के फिर इसे तैयार करते हैं। अच्छा, ये कैसा, कड़ू है या? हाँ, चमपराज जैसी लगेगी। अच्छा, चमपराज जैसी लगेगी, तो हल्कापन मीठापन भी होगा। तो जिनको एक खाली पेट एक खुराक खिलाते हैं, एक चम्मच खाना होता है या? हाँ, एक खुराक खाना पड़ता है, दोना है। अच्छा अच्छा, दोने में देते हैं? हाँ, यहाँ खाने पड़ते हैं दोने में। अच्छा अच्छा, नहीं तो फिर डिब्बे में देते हैं ले जाने। तो दोस्तों, ये थी महात्मा जी की वीडियो, जो कि काफी समय से शुगर की दवा देते हैं। और अगर आप कभी भी नीलकंठ मंदिर के आसपास जाते हैं या झिलमिल गुफा जाते हैं, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, आप यहां पर पहुंचकर महात्मा जी से मिल सकते हैं और दवा आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको फायदा होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम और अच्छे से लोगों को ये जानकारी दे सकें। ऐसी ही और वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।